हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मी सुषमा थस्माना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कपकेक की रेसिपी और साथ ही हम बनाएंगे एक छोटा सा केक भी। इन सभी को हम बेक करेंगे अवन में एक साथ और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी फ्लफी कपकेक हमारा बनकर तैयार हुआ है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं कपकेक बनाने का प्रोसीजर। पहले हम दूध का बटर मिल्क बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ml दूध लिया है। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच सिरका और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये बटर मिल्क हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। मिक्सी का एक जार लेंगे, इसमें हम डाल देंगे आधी कटोरी पाउडर शुगर, 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल और ये देखिए बटर मिल्क भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ये बटर मिल्क हम इसमें डाल देंगे और इसे ना कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए इसे मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब ये सारा जो लिक्विड मिक्सचर है इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी एक बर्तन में। और अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें 1 कटोरी मैदा डाल रही हूँ और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस और कुछ ड्रॉप्स येलो लिक्विड कलर की, इससे इसका जो कलर है ना वो थोड़ा थोड़ा ऑफ वाइट हो जाएगा, बहुत ही सुंदर दिखता है। बस इतना सा ही 2 बूंद डाला है मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, ये देखिए। और हमें ना ये बैटर जो है ना परफेक्टली बनकर तैयार है। ना तो हमें इसमें और ज़्यादा मैदा ऐड करना है और ना ही दूध ऐड करना है। अगर सपोज़ ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाता तो हम इसमें मैदा ऐड कर देते, और अगर ये थोड़ा सा थिक हो जाता तो हम यहाँ पर दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कपकेक का बैटर है वो परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 2-3 कलर की टूटी फूटी मिक्स टूटी फूटी ली है, इसमें हम ना थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये सारी टूटी फूटी डाल देंगे केक के बैटर में और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे वापस से। देखिए कपकेक का जो बैटर है वो परफेक्टली हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और मैं ना यहाँ पर आज इसमें इनो वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कपकेक के मोल्ड लिए हैं, इनके ऊपर पेपर कप मोल्ड लगा देंगे हम। और इसमें ना हमें कुछ भी ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें ऐसे ही डालेंगे बैटर को। तो चलिए अब इसमें बैटर डालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमें ना ये कपकेक का जो बैटर है ना इसको हाफ ही फील करना है, क्योंकि ना अभी ये फूलेंगे, अगर आप ज़्यादा बैटर डाल देंगे तो ये सारा जो कपकेक है ना बेकार हो जाएगा, शेप नहीं आएगी, सारा बाहर की तरफ को फ्लो होने लगेगा। तो इसीलिए बस हाफ हाफ ही हमें इसको भरना है। ये देखिए इस तरह से इन्हें ना थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, ऊपर से टूटी फूटी लगा देते हैं इसमें। केक बनने के बाद ना केक का इतना जो है ये बैटर बच गया है, तो इसका ना मैं छोटू सा केक बनाऊंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने एक ये केक टिन है, डॉल शेप का जो केक बनता है उसका ये केक टिन है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें सारा ये बैटर हम डाल देंगे, इसे टैप करेंगे। और इसे भी ना थोड़ा सा टूटी फूटी से डेकोरेट कर लेंगे ऊपर से। देखिए छोटू सा केक भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने कप केक को और केक को सबको एक साथ रख दिया है, तो ट्राई करते हैं मे बी सब के सब एक साथ बेक हो जाए अच्छे से। तो
तो अवन जो है ना मेरा 180 डिग्री पे प्री हीट हो चुका है और इसे अब हम रख देंगे अवन के अंदर। तो देखिए अवन को मैंने ऑन कर लिया है और अब हम यहाँ पर जाएंगे माइक्रो प्लस कन्वेंशन पे और इसे प्रेस करते हुए हमें जाना है 170 डिग्री पे और इसमें ना टाइमर लगा रही हूँ मैं 10 मिनट्स का, बट ये जल्दी बेक हो जाएंगे, बट मैं 10 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ फिर भी। ये देखिए गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ना 10 मिनट का टाइमर लगाया था, बट मैंने इसे केवल 7 मिनट के लिए बेक किया है और 7 मिनट में हमारा छोटू सा केक और 5 कप केक दोनों परफेक्टली बनकर तैयार हैं। तो अभी ना मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितने परफेक्ट हमारे कप केक बने हैं। गाइस यहाँ पर ना केक को मैंने अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया था, मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही छोड़ दिया था। तो अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ निकाल के कितना परफेक्ट कप केक बना है। ये देखिए अंदर तक कितनी अच्छी तरह से कप केक, ये देखिए कितना फ्लफी बना है। और ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना परफेक्ट कप केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए सॉफ्टनेस, देखिए केक में, ये देखिए। तो ये देखिए गाइस, जो मैंने छोटा सा एक केक बनाया था वो भी हमारा कितना परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है ये। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन हिट करें। मैं फिर लेकर आऊँगी आपके लिए और भी मज़ेदार सी रेसिपीज। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। बाय बाय।